नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, और याद रखिए भारतीय संविधान आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता ही है। और आप देखेंगे, अगर आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि काफी अच्छी संख्या में आपके क्वेश्चंस संविधान से आते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं तो कम से कम मेरा मानना है कि भारतीय संविधान के बारे में हर भारतीय को मालूम होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य मालूम होना चाहिए, उसे अपने मौलिक अधिकार मालूम होना चाहिए, हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में भी उसे मालूम होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उस पर विस्तार से बात की हुई थी। और याद रखिए, भारतीय संविधान के लिए एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, भारत का संविधान, इसी में आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। और आगे बढ़ाने का, सभी लोगों तक पहुंचाने का कारोबार आपके पास है, इन क्लासों को आगे आप लोग बढ़ाते रहिए और भारतीय संविधान के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। आज हम लोग बात करेंगे संविधान का जो भाग एक है, और इसमें आप लोग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भारत के राज्य हैं, आप लोग यहां स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, भारत के मैप को देख लीजिए, इसी की बात कर रही है। इसके जो राज्य हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हीं की बात की जा रही है। और इसके संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारत के संविधान के भाग एक में अनुच्छेद एक से लेकर चार तक संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। और जिसमें आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद एक क्या कहता है। अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। आप लोग इन सभी राज्यों को देखते हैं ना, ये भारत हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। और अनुसूची एक भारत के राज्यों उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करती है। और भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए गए हैं, यानी कि भारत में शामिल किए गए हैं, इसी के बारे में आपका संविधान का अनुच्छेद एक बात करता है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलेंगे। राज्य के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं यानी कि शामिल किए गए हैं भारत में। और इसमें एक तरह से आप देख सी इन सभी राज्यों की बात की जा रही है, और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो, फिर दादरा और नागर हवेली हो और दमन द्वीप हो, या फिर आप देखिए कि आपका लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर आप देखिए पुदुचेरी हो, इन सभी की बात की जा रही है, और बाकी सभी राज्यों की बात की जा रही है। अभी आप लोग वर्तमान में देखेंगे तो 28 आपको राज्य देखने को मिलेंगे और 8 आपको केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग संविधान के भाग दो की बात करें, भाग संविधान के भाग एक में अनुच्छेद दो की बात करें, तो ये क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि सिक्किम संघ के साथ संयुक्त किया जाना, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, लेकिन जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि संघ को, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। संसद की बात की जा रही है, जिसमें आप देखते हैं राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई और राष्ट्रपति हो गई, ठीक है। और इसका मतलब यही कि संसद के पास दो तरह की शक्ति है, एक तो वो नए राज्यों की संघ में शामिल करने की शक्ति है संसद के पास, या फिर नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति की बात करें तो नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है कि गठन को लेकर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद दो उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है कि प्रवेश और गठन से संबंधित है आपका, क्या? अनुच्छेद दो, ठीक है। फिर आता है, आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद तीन संविधान के भाग एक में, अनुच्छेद तीन, इन नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन की बात करता है, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है, ठीक है। और इसमें कहा, आप लोग पढ़ी लीजिए, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों
को या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्रों को किसी राज्य के भाग से के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। कौन? संसद, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, ठीक है। और इसमें आप देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा नए राज्यों के निर्माण की बात हो या फिर पुराने राज्यों की सीमा में परिवर्तन की बात हो, राज्य के नाम में परिवर्तन की बात हो, ये सभी बात की गई है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि राज्य के नए भारत में नए राज्यों के निर्माण की अगर बात की जाए तो दो तरह से आप देखिए कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। एक तो आप देखिए विधानसभा में एक प्रस्ताव के आधार पर, विधानसभा में एक प्रस्ताव के आधार पर, यदि किसी राज्य की विधानसभा इस प्रकार के प्रस्ताव को अपनी विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास कर देती है, पारित कर देती है और प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजती है और संसद इस प्रस्ताव को अपने साधारण बहुमत से अनुमोदित कर देती है तो नया राज्य अस्तित्व में आ जाता है और यह संसद का अधिकार है, वह इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश है, आप सभी जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके आपका क्या तेलंगाना बना दिया गया था। अब देखिए आंध्र प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव आएगा और 2/3 प्रस्ताव, 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है कि तेलंगाना को अलग करना है। उसके बाद वो क्या करेगा कि वो प्रस्ताव जाएगा संसद में और संसद अगर साधारण बहुमत से उसे पारित कर देती है तो एक नया राज्य बन सकता है, ठीक है। और आप देखिए, और इस प्रस्ताव पर संसद के पास दोनों तरह के अधिकार होते हैं, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। दूसरा आप देखेंगे संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है, यदि संघीय कैबिनेट इस प्रकार का प्रस्ताव बनाती है और संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजा जाता है और विधानसभा से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित एक समय सीमा के भीतर उसे पारित कर दे या फिर अस्वीकार कर दे, दोनों ही स्थितियों में प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास वापस आ जाता है और पारित मान लिया जाता है। मान लीजिए कि किसी राज्य को बनाने के लिए संसद में कोई प्रस्ताव आया हुआ है और संसद में आया हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा कि राज्य को भेजेगा। अब राज्य उस पर सहमति दे या ना दे वो पारित मान ही लिया जाएगा। एक तरह से उसकी आप देखिए कि आपके घर में पिताजी हैं, वो कोई काम करवा रहे हैं या काम करवाना है उन्हें, तो आपसे पूछ लेंगे। अब आप लोग उसमें हामी भरिए या ना करिए वो तो मान हो गया ही जो पिताजी चाहेंगे, ठीक है। और यदि विधानसभा इस पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति विधानसभा के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो मान ले और ना चाहे तो ना माने। और इस प्रस्ताव को संसद में रखा जाता है और यदि संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा एक नया राज्य गठित किया जा सकता है और इस प्रकार किसी नए राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन संबंधी संपूर्ण शक्ति संसद में ही निहित होती है। ये संविधान का आपका आर्टिकल 3 कह रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसमें आप लोग अनुच्छेद 4 भी पढ़ते हैं संविधान के भाग 1 में, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और अनुसंगिक और परिमार्जित विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों की बात हो रही है। अनुच्छेद 2 और या फिर 3 में निर्दिष्ट किसी विधि द्वारा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमार्जित उपबंध भी जिनके अंतर्गत किसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोत्तर प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी, ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। और इसमें कहने का मतलब यही है इनका कि संविधान का अनुच्छेद जो 4 आप लोग पढ़ते हैं ना, इसमें स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या गठन हो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन की बात हो को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकेगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आता है, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्रों का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? यानी कि कहने का मतलब है कि भारतीय राज्य का कोई हिस्सा है, भारत के किसी राज्य का कोई हिस्सा है, क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो किसी और देश को
वो राज्य का हिस्सा सौंप सके। और अनुच्छेद 3 के संबंध में यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया था जब 1960 में आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इसके बारे में पूछा गया था। और इस विवाद का संबंध भारत पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुई एक समझौते से था। आप सभी जानते हैं कि देख लीजिए यहाँ एक बार में आप देखिए पड़ोसी लगा हुआ है पाकिस्तान, यहाँ आप देखिए नेपाल लगा हुआ है, भूटान लगा हुआ है, बांग्लादेश लगा हुआ है, आप देखिए चाइना लगा हुआ है और एक बार म्यांमार भी लगा हुआ है। एक बात और जान लीजिए, वो सभी देशों से लगभग आप देखिए कि हमारी सीमा विवाद चलते रहते हैं। तो आप देखिए कि कहने का मतलब यहाँ सीधा सा ये है कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता होता है और मान लीजिए कि पाकिस्तान कहे कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा उसे दे दिया जाए और वो यहाँ कुछ और दूसरा अपन को दे दे, तो क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो ये दे सके इसे? ठीक है, इसी की बात की जा रही है। तो इस विवाद का संबंध भारत पाकिस्तान के मध्य जो 1958 में एक समझौता हुआ था और यह समझौता दोनों देशों ने अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। और इसके अनुसार बेरुबाड़ी संघ यानी कि पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 12,000 थी भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था। और आप सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आपने देखा होगा कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, भारत की और पाकिस्तान की, और एक नया देश उभर के आया हुआ था बांग्लादेश, और इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और इसमें भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था और कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सके और सीमा विवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन आप देखेंगे भारत सरकार इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो उसके विरोध एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था भारत सरकार के खिलाफ। और ऐसी स्थिति को आप देखिए कि उस समय जो भी आंदोलन खड़ा हो रहा था इसकी गंभीरता को भांपते हुए उस समय की राष्ट्रपति ने यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था ताकि इस मुद्दे पर उनकी राय जानी जा सके। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने की और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य क्षेत्र को देने की नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि आप देखिए भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को देने की सीमा देने की शक्ति हमारे संसद के पास नहीं है और यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। अगर भारत की किसी सीमा को किसी अन्य राज्य को देना है तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके एक काम किया जा सकता है। और इस तरह आपने देखा होगा कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को यानी कि उस क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसका मतलब यह नहीं है कि संसद को अन्य विदेशी क्षेत्र अर्जित करने या फिर अपने भूभाग को कोई अंश किसी अन्य देश को अर्पित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी तरफ आपने 1969 में देखा होगा मामला, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संविधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद 3 का भी आप देखिए कि समालोचनात्मक परीक्षण करते रहे लोग। कुछ आलोचक कहते हैं कि अनुच्छेद 3 के प्रावधान संघीय भावना के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं क्योंकि संघ कभी कभी राज्यों का विनाश भी कर सकता है। आप समझ रहे, आप सभी जानते हैं कि हमारा संघ जो केंद्र है ये मजबूत है राज्यों की तुलना में। अब आप देखिए हमारे राज्य के किसी भी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है कि वो केंद्र यानी कि अलग देश बना सके। आप देखिए पाकिस्तान में, आप देखिए अमेरिका में इस तरह की शक्ति है, जो राज्य हैं उनके पास अलग होने की शक्ति है। ठीक है, तो इसमें कई राज्यों इससे राज्यों की स्वायत्तता का विचार ही निरर्थक हो जाता है। और इस प्रावधान को बचाव करते हुए ये कहा गया कि संघ सरकार स्थानीय जन भावना का उल्लंघन करते हुए मनमाने रूप से राज्यों के भूभाग को नहीं बदल सकती है और संघ सरकार के द्वारा राज्य का निर्माण किया जा सकता है परंतु नव निर्मित राज्य को 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची की सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और इसलिए नव निर्मित राज्य संघ सरकार पर निर्भर नहीं होती है और इसे संघीय भावना की पूर्णता प्रतिकूल कहना तार्किक नहीं है। आप देखिए कि हमारे देश में कई रियासतें हुआ करती थी 1947 के पहले और आप देखिए नहीं, एक करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो रियासतों की बात होती रही है, भारत का विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है,
तो विभाजन के बाद भारत एवं देशी रजवाड़ों को एक शासन के अंतर्गत लाना सबसे महत्वपूर्ण काम था और सबसे मुश्किल काम था। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था और उसके मुख्य सहायक सचिव थे बीपी मेनन, इस नाम को भी याद रखिएगा। और सरदार पटेल ने भारतीय रजवाड़ों की देशभक्ति को ललकारा, उनके अनुरोध किया उनसे कि भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीन बनाकर सम्मिलित हो जाए। और कहते हैं कि देखिए गन्ना लेकर जाते थे एक तरह से, आप कहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के पास, पहले उन्हें एक तरह से मनाया जाता था, उन्हें लालच दी जाती थी और आप देखिए कि जब वो नहीं मानते थे तो उनको सख्ती एक तरह से दिखाई जाती थी, समझ रहे हैं आप लोग। और पहले उन्होंने यही कहा रियासतों से, सभी रियासतों से, कि जो रक्षा है, विदेशी मामले हैं, संचार व्यवस्था हो, इसे भारत के अंडर ला दीजिएगा, दे दीजिएगा और बाकी पर आप लोग राज करते रहिए। और आप देखेंगे कि 552 देशी रियासत भारत की भौगोलिक सीमा में थी उस समय और 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी और 3 रियासतें बची हुई थी। एक तो आप सभी जानते हैं हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और एक जम्मू कश्मीर थी। इन्होंने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और आप सभी जानते हैं कि यही 3 मुख्य समस्या बनी हुई थी। और जम्मू कश्मीर अभी तक बनी हुई है, पाकिस्तान को देखिए, अभी तक पाकिस्तान कहता रहता है कि वो जूनागढ़ हमारा हिस्सा है, समझ रहे हैं आप, अपने नए नए मैप जारी करता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग जूनागढ़ रियासत की, बात करें तो जूनागढ़ और सौराष्ट्र की तट पर एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी गुजरात के, यहाँ आप लोग देखेंगे, और जो चारों ओर से आप देखिए भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। आप सोचिए कि एक तरह से आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, ठीक है, उस समय की एक रियासत मान लीजिए आप लोग, और मध्य प्रदेश क्या कहे कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, मध्य प्रदेश कह दे कि हमें तो पाकिस्तान में शामिल होना है। अब आप सोचिए कि भारत के लिए मुश्किल है कि आप बीच में अगर यहाँ गुजरात के कहीं बाहर है तो आप लोग आराम से दे दें, चले जाइए, लीजिए जाइए। अब आप सोचिए कि बीच में कहाँ पाकिस्तान या स्वतंत्र कोई देश बन के रह सकता है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी कि चारों तरफ से जूनागढ़ रियासत थी, ये भारत की भूभाग में शामिल थी और इसलिए पाकिस्तान के साथ उसका कोई भौगोलिक भौगोलिक तट नहीं जुड़ा हुआ था, कहीं उसकी कहीं पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती थी। और फिर भी आप देखेंगे यहाँ के जो नवाब थे, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम, समस्या यहां खड़ी हो जाती है कि पाकिस्तान से सीमा ही नहीं लगती है। पाकिस्तान में अगर आप लोग शामिल हो ही जाते हैं तो आप लोग आवाजाही कहां से करेंगे अगर भारत रोक लगा दे पूरी तरफ से, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां इन्होंने घोषित कर दिया कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे। हालांकि आप देखिए कि यहां की जूनागढ़ की जो जनता थी इसमें अधिकांश हिंदू थे यहां, और भारत में शामिल होने के इच्छुक भी थे, क्या थे, इच्छुक भी थे। और यहां के जो लोग थे इन्होंने एक जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और जब आंदोलन हुआ तो यहां के जो नवाब थे इन्हें यहां से मजबूर होकर जूनागढ़ को छोड़ना पड़ा। दीवान शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार जो अली भुट्टो के पिता थे, ठीक है, इन्होंने भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद भारतीय हमारी भारतीय सेना ने यहां प्रवेश किया और फरवरी 1948 में रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया और भारत के पक्ष में ये जूनागढ़ शामिल हो गया, भारत में शामिल हो गया। ये जूनागढ़ की कहानी इतने पट गई। अब बची आपकी हैदराबाद की कहानी। अब आप देखिए कि हैदराबाद में तो अभी भी आप ओवैसी बंधुओं को देखते रहते हैं आप लोग, वो अपनी बात करते रहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी रियासत भी मानी जाती थी और चारों तरफ से आपको बता दूं कि भारत के ही भूभाग से लगी हुई थी हैदराबाद। यहाँ आप लोग हैदराबाद अभी देख भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के जो निजाम थे हैदराबाद के, इन्होंने 1947 में भारत के साथ यथास्थिति संधि पर एक हस्ताक्षर कर दिए और भारत सरकार को ये उम्मीद थी कि निजाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधि मूलक सरकार प्रस्तुत करेंगे और जिसका विलय बाद में आसान हो जाएगा भारत में। उन्होंने यही सोचकर कुछ ढील दे दी यहाँ के निजाम को, लेकिन जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और निजाम ने एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन जिसे आप लोग इतिहाद इतिहाद अल मुसलमीन नाम दिया, इसे बढ़ावा दे दिया और इस संगठन ने जनता को भयभीत करने पर उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उन्हें एक तरह से प्रताड़ना देनी शुरू कर दी। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि रियासत में लूटपाट का बढ़ने लगी, मारकाट बढ़ने लगी और अंततः क्या हुआ कि 13 दिसंबर
माफ करिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर दी। कहाँ? कब? 13 सितंबर की बात है, 13 सितंबर 1948 की बात है। और 3 दिनों के बाद ही निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 ईस्वी में भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। और भारत सरकार ने एक तरह से आप देखिए उदारता दिखाई, बड़ा दिल दिखाया भारत सरकार ने, और क्या किया कि निजाम को कोई सजा नहीं दी, उसे राज्य के औपचारिक शासक के रूप में बहाल भी रखा, उसे अपनी विशाल संपत्ति का ज्यादातर भाग अपने पास रखने की अनुमति भी दे दी। तो ये है भारत का दिल और भारतीयों का दिल। आप समझिए कि हम लोग हर किसी को शरण दे देते हैं और माफ कर देते हैं। अब बात होती है कि देखिए जूनागढ़ की कहानी खत्म हो गई, हैदराबाद की रियासत की भी कहानी समाप्त हो गई और भारत में आसानी से मिल गए। अब बचती है जम्मू कश्मीर की कहानी, और जम्मू कश्मीर की कहानी अभी तक एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। अभी आप देखिए, एक बार आप लोग देख लीजिए यहां मैप में, आप अगर देखें तो आप देखिए कि 2019 में आपने देखा होगा कि दो हिस्सों में बांट दिया गया है। अभी आप देखिए कि जो जम्मू लद्दाख का ये हिस्सा है, यहां आप देखेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है। जम्मू कश्मीर पर भी कब्जाने की बात करता रहता है, अपने हिस्से अपनी जमीन बताता रहता है, राजस्थान गुजरात की यहां तक बताता रहता है। ठीक है, तो इसकी भी कहानी यही है। इसकी कहानी यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल थे। एक तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर था, एक आपका जम्मू था, कश्मीर था और लद्दाख था। जम्मू था और कश्मीर था और लद्दाख था, ये 3 क्षेत्र थे। कश्मीर वादी को कश्मीर के दिल के रूप में भी देखा जाता था, और कश्मीरी बोलने वाले ज्यादा लोग मुस्लिम थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कश्मीरी भाषा लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल थे। कश्मीर में देखिए अधिकतर लोग मुस्लिम थे, हिंदू आप लोगों को कम ही देखने को मिल जाएगा। और जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी इलाकों का मिश्रण था, जहां हिंदू मुस्लिम और सिख यानी कि कई धर्म भाषाओं के लोग रहते थे। और लद्दाख आप देखेंगे पर्वतीय इलाका था, जहां बौद्ध मुस्लिम की आबादी अधिक थी। ठीक है, और कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच एक विवाद ही नहीं था, इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू भी थे। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे आप सभी जानते हैं कि कश्मीरियों के रूप में जाना जाता है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इससे जुड़ा हुआ था। कश्मीर रियासत की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों से मिलती है, अभी भी आप देखते हैं कि, और इसमें आप देखेंगे इसका यहाँ का जो शासक था एक हिंदू था, हरी सिंह, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन राज्य में जनता थी मुसलमान, 75% जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था। और आप देखिए कि जूनागढ़ में उल्टा था, जूनागढ़ में आप देखेंगे कि मुस्लिम कम थे, हिंदू की संख्या अधिक थी, लेकिन राजा मुस्लिम था। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि हरी सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों से विलय से बचना चाहते थे, और आपने देखा होगा कि वो एक स्वतंत्र देश बनाए रखना चाहते थे। लेकिन नेशनल जो कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये चाहते थे कि भारत में कश्मीर का विलय हो। और भारतीय राजनीतिक नेता चाहते थे कि कश्मीर की जनता यह निर्णय ले कि वह भारत के साथ मिलना चाहती है या पाकिस्तान के साथ। लेकिन क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबीलियाइयों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। कब की बात है? 22 अक्टूबर 1947 की बात है। और यहां के राजा घबराकर 24 अक्टूबर को महाराजा ने कश्मीर में भारत के विलय पर हस्ताक्षर कर दिए और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हो जाती है, उसने धीरे धीरे आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर कर दिया। हालांकि राज्य के कई हिस्सों पर पाकिस्तानी सेना यानी कि जो आप देखेंगे यहाँ के जो सभी सैनिक थे उनका एक तरह से क्या हो, कबलाई आप सभी जानते हैं जो पठान कबलाई थे, इनका नियंत्रण बना रहता है। और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने आप देखेंगे 30 दिसंबर 1947 को माउंट बेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हो गए। और अभी तक लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गलती अगर भारत की मानिए तो यही रही है कि हम लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और इसमें हम लोगों यूएन का हस्तक्षेप हम लोगों ने करवा दिया। और उस समय आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका और चाइना का एक तरह से झुकाव किसकी तरफ था? पाकिस्तान की तरफ था। और अमेरिका आप सभी जानते हैं कि उस समय की एक शक्तिशाली शक्ति थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद में भेजने को तैयार हो गया भारत, और जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों को खाली कराने का आग्रह किया भारत ने।
और सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को के अतिक्रमण पर ध्यान देने की बजाय ब्रिटेन और अमेरिका के निर्देशों पर पाकिस्तान की तरफदारी कर दी। यानी कि भारत ने कहा कि हमारा हिस्सा जहां हमारे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था इस हिस्से पर, तो इसे खाली कराया जाए। लेकिन यूएन ने क्या किया कि अमेरिका और ब्रिटेन के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने पाकिस्तान का एक तरह से आप देखिए उनकी तरफदारी शुरू कर दी, उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया, भारत को छोड़ दिया, समझ रहे हैं आप लोग, और भारत की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और अपने जो समक्ष कश्मीर को पिस्तने को बदलकर भारत पाकिस्तान विवाद बना दिया। और इसने कई प्रस्ताव द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों ने 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया जो अब तक लागू बना हुआ है। यानी कि आप समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर की समस्या इतनी आसान नहीं थी। आप सोचिए कि यहां का जो राजा था, जनता थी, वो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाए। लेकिन देखिए पाकिस्तान की सेना एक तरह से आप देखिए कि वहां के जो पठान कबलाई थे, जो भी आप कहिए उग्रवादी आप लोग कह लीजिए, उन्होंने उस समय आक्रमण कर दिया और जम्मू कश्मीर के जो आप देखिए कि राजा थे, इन्होंने भारत में मिलने के लिए स्वीकार कर लिया, हस्ताक्षर कर दिए। हमारी भारतीय सेना जाती है और ये आप देखिए काफी हद तक उस कब्जे को अपने अंडर में और वहां की सेना को हटा देती है। लेकिन इसी समय आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि यूएन में चले जाते हैं और यूएन में चले जाते हैं तो वहां से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है। वहां तो यूएन कह देता है कि ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका कहना है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की भूमि है और आज तक वो विवाद बना हुआ है। हमारी जमीन थी और आप देखिए कि एक तरह से मान लीजिए कि एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, कहने का मतलब है कि आपकी जमीन है, मान लीजिए कि कोई उस पर कब्जा करने के लिए आ जाता है और आप लोग कोर्ट में जाते हैं, जमीन आपकी है देखिए, और कोर्ट क्या कह देता है कि आपके बीच और उसके बीच ये जमीन एक तरह से विवाद है और उस सामने वाले व्यक्ति ने आपकी जितनी भूमि पर कब्जा किया हुआ है वो उसके अंडर में रहने दीजिए और आपके अंडर में जो जमीन है आपके अंडर में रहने दीजिए। यानी कि घाटा तो आपको हुआ ना, जमीन आपकी थी और उसे भी कुछ कब्जा मिल गया, तो यही हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, ठीक है। और राज्य का विभाजन युद्ध विराम रेखा के साथ साथ हो गया और 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनसंग्रह का प्रावधान था और यह प्रस्ताव भी विफल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था। और तब से आज तक आप सभी जानते हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विषय विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक बात है वो आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए कि उसके बाद भी आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। उसके बाद भी यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में कुछ जगह शासन बना रहता है, जैसे आप देखिए कि गोवा दमन द्वीप हो, दादर नगर हवेली हो, इस पर पुर्तगालों का शासन बना रहता है कुछ समय के लिए, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत का एकीकरण उस समय तक अपूर्ण था जब तक कि फ्रांस और पुर्तगाल द्वारा भारत के कुछ हिस्सों पर उनका कब्जा बना हुआ है। अगर पुर्तगालों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाल के पास भारत के 3 क्षेत्र हुआ करते थे, गोवा हो, दमन द्वीप हो, दादर और नगर हवेली हो। और पहले भारत सरकार ने शांतिपूर्ण उपायों से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतने आसानी से छोड़ते कहां है, अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा तो ये क्या छोड़ेंगे। तो पुर्तगीज सरकार द्वारा ध्यान ना दिया गया, वहां की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया और आप देखिए कि उससे उन्हें कुचलने के लिए सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप का मन बना लिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू आप सभी जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा 17 दिसंबर 1961 को गोवा में भारतीय सेना को प्रवेश का आदेश दे दिया और गोवा के गवर्नर जनरल ने बिना किसी युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 को इन तीनों क्षेत्रों को जिसमें आप देखेंगे गोवा है, दमन हो, द्वीप और दादर और नगर हवेली हो, इसे भारत क्षेत्र में मिला लिया गया। और इस तरह आप देखेंगे कि भारत का क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण कार्य पूरा होगा। हालांकि इस कार्य को पूरा करने के लिए 14 वर्ष से अधिक समय लगा। तो इस तरह आप देखेंगे गोवा दमन द्वीप का काम तमाम हो गया, यानी कि भारत में शामिल हो गया। फिर आप देखेंगे फ्रांसीसी उपनिवेशों का भी कुछ शासन रहा है। स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे फ्रांस के पास भारत के कई क्षेत्र शामिल थे
उनमें से कुछ है जैसे पौंडीचेरी, चेन्नई के पास, चंदनगर कलकत्ता के पास, माही कलकत कालीकट के पास, पश्चिमी तट पर, यमन यनम फ्रांसीसियों के अधीन था। एक लंबी संधि वार्ता के बाद फ्रांसीसियों ने नवंबर 1954 में भारतीय चित्रों को भारत सरकार को सौंप दिया था और 1956 में भारत फ्रांस के मध्य विलय संबंधी संधि हुई और मई 1962 में इस संधि के फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुसमर्पित हो जाने पर भारत ने इन क्षेत्रों का वैधानिक नियंत्रण भी प्राप्त हो गया। देखिए, इस बात को मुझे लगता है कि सभी लोग जान चुके थे, जब अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई, अंग्रेज भारत छोड़ चुके थे, तो बाकी जो छोटे छोटे हिस्से थे ये भी जान चुके थे, पुर्तगाली हों या फ्रांसीसी हों, कि आसानी से छोड़ दें अच्छा अच्छी बात है, वरना भारतीय इतने मजबूत हो चुके हैं कि जबरदस्ती हमसे ये क्षेत्र छुड़ा लेंगे, तो इसलिए उन्होंने इन्हें बात कर दी। अन्य क्षेत्रों की भी भारत में विलय हुआ है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विलय की बात हो जाए। 1950 में आप देखेंगे संविधान ने भारत संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया था। इसमें आप देखेंगे भाग का हो, भाग खा हो, भाग गा हो, भाग घा हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अकेले भाग घा में राज्य में रखा गया था इसमें, और भारतीय संविधान सभा ने अंडमान निकोबार को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया था और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने में इस संघीय राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। किसे? अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत की मुख्य धारा से प्रयाग कटा हुआ था, एक तरह से आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। और अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को भारत से दूर करने के लिए जेल, सेलुलर जेल के बारे में आप लोग सुने हैं, जिसे आप लोग काला पानी के नाम से जानते हैं, यही थी वो, ठीक है। लक्षद्वीप की बात हो, यहाँ आप लोग लक्षद्वीप देखेंगे, और लक्षद्वीप को प्रारंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम में इसे संघराज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, और जिसमें आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सबसे पहले गठित होने वाला भाषाई राज्य आधार पर पहला राज्य था। ये क्वेश्चंस आप देखिए आपके प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में आप देखिए कई बार क्वेश्चंस बन चुका है। तो भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग पहली बार तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं लाइनों से कई बार क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। 1912 में आप देखेंगे असम हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, इन्हें राज्य भाषाई आधार पर गठित किए गए थे ये सभी राज्य, ये आजादी के पहले की बात हो रही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की थी, और आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, और इससे आप देखेंगे असंतोष फैल गया, लोग इससे असहमति जताने लगे, और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति यानी कि कमेटी का गठन किया गया, और इसमें आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, या फिर आप देखिए पट्टाभी सीतारमैया हो, ये सभी शामिल थे, जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, जेबीपी कमेटी, ठीक है, जेबीपी समिति। कौन कौन शामिल था इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। और इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया इसने, और इसके विरोध में आपने देखा होगा तेलुगु क्षेत्र के को अलग राज्य बनाने की बात हो रही थी भाषाई आधार पर, इसी में एक आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, और आंदोलन के दौरान आपने एक नेता का नाम सुना होगा श्री रामल्लू साहब, ये आंदोलन के मुख्य एक तरह से लीडर करता बन गया, और 56 डेज तक भूख हड़ताल करते रहे, और अंत में इनकी डेथ हो जाती है, और 1953 में 53 में भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, और जिसकी राजधानी उस समय कर्नूल थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों की मांग तेज हो गई। देखिए आप लोग देखिए, एक तरह से मान लीजिए एक मांग पूरी हो गई तो अन्य राज्यों जो भाषाई आधार पर अपने राज्य की गठन करना चाहते थे लोग, उनकी भी मांग तेज हो गई, उन्होंने सोचा कि अगर इनकी मांग पूरी हो सकती है तो हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो सकती है, ठीक है। तो यही हुआ, और इस पर विचार के लिए 1953 में आप देखेंगे न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में
तीन सदस्यीय समिति बनाई जाती है। इसमें एक तो आपके थे KM पनिक्कर, एक हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर राज्य के गठन को स्वीकार कर लिया। लेकिन याद रखिए कि आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद आपने देखा होगा संसद ने 7वां संविधान संशोधन पारित किया और इस आधार पर आपने देखा होगा कि भारत में 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा निर्मित आधार भी थे कुछ पंचवर्षीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और राज्य की वित्तीय सक्षमता के आधार पर नए राज्य का निर्माण संभव। आयोग ने यह भी कहा था कि प्रशासनिक कुशलता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। और 1956 के बाद आपने देखा होगा राज्यों का पुनर्गठन हुआ भी है। 1960 में आप लोग जाइए महाराष्ट्र तथा गुजरात, आप सब गुजरात आप देखते हैं। 1960 में आप देखेंगे द्विभाषीय राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। एक तो आप देखेंगे बंबई से अलग करके महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात आप जानते हैं गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया गया था और गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे चलिए आप लोग 1960 में आप लोग जाइए 62 में, तो इसमें आप देखेंगे नागालैंड की बात होती है। 1962 में असम राज्य को विभाजित करके नागालैंड राज्य एक नया राज्य बनाया गया था। अब देख लीजिए असम बहुत बड़ा राज्य था, समझ रहे हैं आप लोग। और जो नागालैंड आज आप देख रहे हैं ना, जिसकी राजधानी कोहिमा है, इसे 1962 में असम से अलग करके बनाया गया था। फिर आप आ जाइए यहाँ हरियाणा के पास, तो 1966 में पंजाब राज्य को विभाजित करके हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया था। ये हरियाणा हो या फिर आप देखिए चंडीगढ़, ये पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1966 में हरियाणा को एक नया राज्य बना दिया गया था और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। फिर आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश, यहाँ आप देखिए शिमला इसकी राजधानी है। तो 1971-70 में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, फिर आप देखिए मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की बात होती है, इस यहाँ बात हो रही है। देखिए मणिपुर ये हो गया आपका, मेघालय ये हो गया आपका, ठीक है, और त्रिपुरा ये हो गया आपका। ठीक है, त्रिपुरा को आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरे हुए हैं, अगरतला इसकी राजधानी है, मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है। तो इन्हीं की बात की जा रही है। एक पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम आया हुआ था 1971, इसके द्वारा मणिपुर त्रिपुरा मेघालय को राज्य बनाया गया था। मणिपुर तथा त्रिपुरा पहले संघ राज्य क्षेत्र हुआ करते थे और फिर असम को विभाजित करके मेघालय राज्य बनाया गया था। आपको बताया ना कि असम पहले बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक है, नागालैंड भी इसी से निकला हुआ है, मेघालय भी इसी से निकला हुआ है। एक सिक्किम की बात होती है, यहाँ आप देखेंगे सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी राजधानी गंगटोक है। तो 1975 की बात है, पहले याद रखिए सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जिसे भारत में जनमत के आधार पर शामिल किया गया और 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 2A के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था। और याद रखिए पूर्वोत्तर की 7 बहनों में शामिल नहीं है, 7 सेवन सिस्टर आप सिस्टर्स आप लोगों ने सुना होगा, उसमें शामिल नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनें, इसमें आपका सिक्किम शामिल नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। मिजोरम की अगर बात हो, मिजोरम आप देखेंगे बांग्लादेश से लगती है, इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, आइजोल इसकी राजधानी है। तो ये 1986 की बात है और 1986 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, देखिए अरुणाचल प्रदेश इसकी राजधानी ईटानगर है, आप सभी देखते हैं कि भूटान से इसकी सीमा लगती है, म्यांमार से लगती है और इसकी आप देखिए कि चाइना से भी लगती है। मुझे लगता है कि भारत के मैप को अगर आप लोग अच्छे से एक दो बार पढ़ लें तो काफी हद तक कई क्वेश्चन आप लोग के आंसर देने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, अगर आप लोगों ने मैप पढ़ा होगा, मैप को याद होगा आप लोगों को, तो आसानी से आप लोग आंसर दे पाएंगे। और कई बार क्वेश्चन से भी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर हम लोग, तो 1987 में
असम को विभाजित करके अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था, यानी कि असम का हिस्सा ही हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये आप लोग जरूर याद रखिए, पूछ सकता है आपसे कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम, पूर्व पहले का नाम क्या था। और इसी साल आप देखेंगे गोवा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गोवा जाने की इच्छा भी रखते होंगे, इसकी राजधानी पणजी है, तो इसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। ये भी 1987 की बात है, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। फिर चलते हैं कि सन 2000 में, आप सभी जानते हैं कि सन 2000 में छत्तीसगढ़, यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। और आप देखेंगे जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अब तो आप सभी देखेंगे राजस्थान पहले नंबर पर है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो ये सन 2000 की बात है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके और 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड की बात होती है। तो आप देखेंगे ये भी सन 2000 की बात है, 9 नवंबर की बात है, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके एक नया राज्य बना था उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून है। और सन 2000 में ही आप देखेंगे कि बिहार से अलग करके एक झारखंड राज्य बनाया गया था, इसकी राजधानी रांची है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था, ये 2 जून 2014 की बात है, आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना नया राज्य बनाया था और श्री कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर, ये भी आप लोग याद रखिए, श्री कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अभी भी कई राज्यों की मांग उठती रहती है, बोडोलैंड हो या गोरखा लैंड हो, हरित प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, मिथिलाचल लो, इस तरह की मांग उठती रहती है। अब आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आपके संविधान का जो भाग पहला है ये आपका कवर हो जाता है, जिसमें आप लोग संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और नागरिकता के बारे में बात करेंगे, भारतीयों को नागरिकता कितने तरह की मिली हुई है, किस तरह से आप लोग नागरिकता ले सकते हैं, किस तरह से आप लोग नागरिकता छोड़ सकते हैं, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक।